एक व्यूअर ने पूछा है कि acquainted with क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं मुझे किसी इंसान से परिचय है या जान पहचान है, या मुझे किसी चीज से जान पहचान है या उससे परिचय है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे आपके पापा से जान पहचान है, मुझे उस कॉलेज के प्रिंसिपल से जान पहचान है, मुझे आपके टीचर से जान पहचान है, मुझे यहाँ के चेयरमैन से जान पहचान है। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं किसी एक इंसान का दूसरे से जान पहचान है यानी परिचय है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे इजारम अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है तो, अगर आपके सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉच वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे अक्वेंटेड विद कैसे, आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझे। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे इस आदमी से जान पहचान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम अक्वेंटेड विद दिस मैन, यानी मुझे इस आदमी से जान पहचान है, मुझे इस कॉलेज के प्रिंसिपल से जान पहचान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम अक्वेंटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यानी इस कॉलेज के प्रिंसिपल से मुझे जान पहचान है, मुझे इस कस्बे के चेयरमैन से जान पहचान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम अक्वेंटेड विद द चेयरमैन ऑफ दिस टाउन, यानी मुझे इस कस्बे के चेयरमैन से जान पहचान है। बाय द वे अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को नकारात्मक में बोलना चाहें यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आप इस तरीके से बोलेंगे जैसे मुझे आपके पापा से जान पहचान नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नॉट अक्वेंटेड विद योर डैड, यानी मुझे आपके पापा से जान पहचान नहीं है, मुझे इस आदमी से जान पहचान नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नॉट अक्वेंटेड विद दिस मैन, यानी मुझे इस आदमी से जान पहचान नहीं है। अगर आपको कहना हो मुझे उन लोगों से जान पहचान नहीं थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज नॉट अक्वेंटेड विद दोज पीपल, यानी मुझे उन लोगों से जान पहचान नहीं थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि acquainted with क्या है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।